तो हम बात करते हैं बिशप स्कोर की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो बिशप स्कोर के नोट्स की बात करते हैं। बिशप स्कोर होता क्या है यार, यहाँ पे पांच पैरामीटर्स होते हैं जिसको देखा जाता है कि हमारे पास जो इंडक्शन ऑफ लेवर है वो सक्सेसफुल है, उसके लिए कंडीशन फेवरेबल है कि नहीं, है ना, एंड सर्वाइकल रैपनिंग जो है ठीक से हो रहा है कि नहीं, फेवरेबल अनफेवरेबल चेक किया जाता है। तो यहाँ पे पांच पैरामीटर्स होते हैं बिशप स्कोर में, है ना। पहला जो है वो है डायलेटेशन, देन सेकंड पैरामीटर इज पोजीशन ऑफ सर्विक्स, थर्ड इज इफेसमेंट, फोर्थ इज स्टेशन, फिफ्थ इज सर्विक्स का कंसिस्टेंसी। ओके सो, अगर हम बात करें कि इसमें ग्रेड होते हैं जीरो स्कोर जो है, 0, 1, 2 एंड 3, ये तीन स्कोर होते हैं। डायलेटेशन में हमारे पास जीरो तब देंगे जब ये क्लोज्ड होगा, पोस्टीरियर होगा पोजीशन ऑफ सर्विक्स तो जीरो देंगे, इफेसमेंट में 0 से 30% अगर होगा तो यहाँ पे जीरो देंगे, एंड स्टेशन में -3 होगा तो जीरो देंगे, एंड कंसिस्टेंसी सर्विस की अगर फर्म है तो जीरो देंगे। सेकंड है 1 कब देंगे स्कोर, जब जो डायलेटेशन है 1 to 2 सेंटीमीटर है, एंड 1 स्कोर कब देंगे जब पोजीशन ऑफ सर्विस जो है वो मिड है, इफेसमेंट में अगर 40 to 50% इफेसमेंट हो रहा है सो उस केसेस में हम इसको स्कोर देंगे 1, एंड स्टेशन अगर -2 पे है तो यहाँ पे 1 देंगे, एंड सर्विस की कंसिस्टेंसी अगर मीडियम है तो यहाँ पे 1 देंगे। 2 की बात करें तो डायलेटेशन अगर 3 to 4 सेंटीमीटर हुआ है तो 2 देंगे, है ना। पोजीशन ऑफ सर्विस की बात करें अगर ये एंटीरियर है तो यहाँ पे 2 देंगे, 60 to 70% अगर इफेसमेंट हुआ है तो 2 देंगे, एंड -1 से 0 अगर स्टेशन पे है तो यहाँ पे 2 स्कोर देंगे। मीडियम कब देंगे, मतलब सॉफ्ट अगर है सर्विस की कंसिस्टेंसी तो 2 देंगे, एंड 3 कब देंगे भाई जब डायलेटेशन अगर यहाँ पे 5 to 6 सेंटीमीटर है, पोजीशन अगर यहाँ पे इसका कोई है नहीं ऐसे, more than 80% अगर इफेसमेंट है तो यहाँ पे 3 देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो स्टेशन होता है इट इज़ +1 एंड +2, एंड सर्विस की कंसिस्टेंसी जो है वो सॉफ्ट ही है, यहाँ पे भी एंटीरियर ही है, ठीक है। नाउ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है, जब कुछ सबको सम करने के बाद हमारे पास अगर स्कोर 6 से 13 के बीच में आ रहा है, 6/13 जो है ना, तो ये हम बोलेंगे कि फेवरेबल है यार, फेवरेबल दैट इज सक्सेस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। बट अगर ये less than 6 आ रहा है 13 में से, है ना, तो ये अनफेवरेबल है। मतलब यहाँ पे सर्वाइकल रैपनिंग ठीक से नहीं हुई है, ये पुअर स्कोर कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया बिशप स्कोर या जो कि हमको एग्जाम में पूछा आता है 5 नंबर में। अब हम इस्तेमाल करते हैं क्या मॉडिफाइड बिशप स्कोर, तो इसको भी लिखना पड़ेगा कि मॉडिफाइड बिशप स्कोर क्या होता है। मॉडिफाइड बिशप स्कोर में इफेसमेंट जो है उसको सर्विक्स के लेंथ से रिप्लेस कर दिया जाता है, इफेसमेंट रिप्लेस्ड बाई सर्विक्स लेंथ, एंड मॉडिफाइड बिशप स्कोर में सिर्फ 3 पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला जो है वो है डायलेटेशन, दूसरा है इफेसमेंट जिसको हमने सर्विक्स लेंथ से रिप्लेस कर दिया, एंड स्टेशन। ओके तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट बिशप स्कोर यार।